तो अगर आप सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मालूम होगा कि आपको स्कूल यानी यहाँ का जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है वहाँ पे जाना पड़ता है, और वहाँ पे जाने से पहले आपको ऑनलाइन अपने अफसर के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो अगर आप अपने अफसर से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो अफसर से अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में आप गूगल ओपन कर लें। आप लोग देख सकते हैं मैं अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे गूगल ओपन कर चुका हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अफसर, अफसर डॉट ऐसे जैसे आप लिखिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद अफसर डॉट ऐसे पर जाकर के क्लिक कीजिए, और अपने अफसर को आप एप्लीकेशन से नहीं खोलने का, अपने अफसर जो ओपन कीजिएगा डायरेक्ट वेबसाइट यानी क्रोम से जाकर के ओपन करना है, और इंडिविजुअल पर करना है क्लिक। और जैसे आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अरबी में आ रहा है, तो इंग्लिश में करने के लिए आपको जैसे आपको दिखाई देता होगा इंग्लिश, इंग्लिश पे कर देंगे क्लिक तो आपका जो वेबसाइट है इंग्लिश में हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। तो चलिए मैं अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर फिल करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं अपना यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल चुका हूँ, और जैसे लॉग इन पर क्लिक करूंगा तो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होता है, जो आप अपने अफसर में दिए रहते हैं, उस पर एक ओटीपी आ चुका है, और मैं यहाँ पे वो ओटीपी फिल करूंगा। और ओटीपी फिल करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ से लॉग इन पर करूंगा क्लिक तो ये ओपन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे लॉग इन कर चुका हूँ अपने अफसर अकाउंट में। अफसर अकाउंट में लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा अपॉइंटमेंट, आपको यहाँ पे मोर पे करना है क्लिक। और जैसे आप यहाँ पे मोर पे क्लिक कीजिएगा तो किस चीज़ का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं आप, तो सारे चीज़ यहाँ से ओपन हो जाएगा। और मैं ट्रैफिक यानी ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो ट्रैफिक पे करना है क्लिक, और ट्रैफिक पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोसीड पे कर देना है क्लिक, प्रोसीड टू सर्विस। उसके बाद जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपके सामने आएगा, आपको यहाँ पे करना है बुक न्यू अपॉइंटमेंट पे। और जैसे आप न्यू बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा फॉर्म एक आएगा और आपसे पूछेगा, ये मैंडेटरी होता है फिल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कराना है तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देता होगा यहाँ पे इशूइंग है ड्राइविंग लाइसेंस, इस पे करना है टिक। उसके बाद फिर नीचे आना है और यहाँ पर रीजन पे आपको भरना है, यहाँ पे कौन सा मतलब सऊदी अरब में आप कहाँ पे रहते हैं, मक्का उसके बाद ताबू करके बहुत सारी जगह का नाम यहाँ पर रियाद वगैरह का, तो मैं मक्का में रहता हूँ तो मक्का पे यहाँ पे कर रहा हूँ क्लिक। उसके बाद नेक्स्ट पर करना है क्लिक, और जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ यानी मक्का में जितने भी एरिया में जितने भी स्कूल हैं जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल है, जहाँ पे सिखाया जाता है, जहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू किया जाता है, यहाँ पे सारे ओपन हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं मक्का और मुकरमा में यहाँ पे एक है और दो है, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेलेक्ट पर करना है क्लिक। और जैसे सेलेक्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, अभी देख सकते हैं सॉरी देयर इज नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल फॉर बुकिंग, के लिए यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट अभी नहीं है यानी फुल है। तो आपको हमेशा ऐसा ट्राई करना रहता है, ट्राई करते रहिए, जब भी यहाँ पे ओपन होगा तो आपको यहाँ पे डेट मिलेगा, स्लॉट मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे स्लॉट मिल चुका है, और जिस डेट में आपको यहाँ पे चूज करना है, मुझे जाना नहीं है, तो उस डेट में आपको यहाँ पे बुक कर लेना है। जैसे आप बुक करेंगे तो यहाँ से ऐसे आएगा, एड्रेस वगैरह पूरा दे देगा, और आपका यहाँ पे बोलेगा एक कॉपी ऑफ नेशनल आईडी, आपको ये सारी चीज़ आपको लेकर वहाँ पे जाना है, और मैप भी देगा। तो मुझे अभी करना नहीं है बुक, तो इसलिए मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बुक कर चुका हूँ। तो ऐसे ही आसानी से आप लोग बुक कर सकते हैं, तो उम्मीद अपॉइंटमेंट करते नहीं हैं आपको मिल पा अच्छा रहा लगा है, होगा बार वीडियो, बार आप प्लीज़ ट्राई अगर कर रहे अच्छा हैं लगे लेकिन तो लाइक हमेशा एंड ही आ सब्सक्राइब रहा है करना ऑप्शन ना कि अभी भूलना अवेलेबल फॉर नहीं है। वॉचिंग। तो आप डायरेक्ट स्कूल में ऑफलाइन जा सकते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद आप आसानी से अपना बुक कर सकते हैं और दाखिला ले सकते हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस के साथ मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको जाना होता है अपने नियर बाई जो स्कूल रहता है ड्राइविंग स्कूल, वहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपने अफसर से। और उसके बाद आपको मेडिकल कराना होता है, मेडिकल में क्या खर्चा आएगा, उसके मेडिकल के बाद क्या होगा, पूरा प्रोसेस, कौन कौन सा पेपर आपको लगाना है, ये सारे चीज़ मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि मैं बहुत बार ट्राई किया अपॉइंटमेंट लेने के लिए और मुझे नहीं मिला अफसर से, तो मैं डायरेक्ट गया था और डायरेक्ट स्कूल में जा कर के मैंने अपना अपॉइंटमेंट लिया और दाखिला करा चुका हूँ मैं। तो जो आगे का प्रोसेस होगा पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।